डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 340 कलम के अंतर्गत भारत की राज्य घटना में ओबीसियों को आरक्षण का प्रावधान रख, साथ ही वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे ओबीसियों को आरक्षण देने के लिए मंडल आयोग का वैधता लागू की गई। इस मंडल की वैधता लागू करते समय डॉक्टर महत्वपूर्ण शर्तों वीपी सिंह के सरकार द्वारा डाली गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आम्ही आवाहन करतो कि सगळी पत्र पहिला अहवाल जो आहे 80 आणि 83 सेक्शनचा खालचा जो अहवाल आहे हा अहवाल त्यांनी पब्लिश करावा। नाही तर 2G स्कॅम मध्ये जी अनेक जणांची नावं आली, अनेक जणांचं जे कॅरेक्टर असिग्नेशन झालं। पहली शर्त ये थी ओबीसीओं को क्रिमिलियर लागू नहीं होगा और दूसरी सेवा में आरक्षण और पड़ोनित्री लागू नहीं रहेगी। ओबीसीओं ने पूरे भारतवर्ष में आंदोलन किए, परंतु हिंदू धर्म के बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के तमाम संगठन ने इनके आरक्षण तथा पड़ोनित्री का विरोध करने का काम किया, ऐसा आरोप बाड़ा साहेब अम्बेडकर ने किया है। तो मंजे घटनेमधलं 370 कलम हे अंमलबजावणी करण्यासाठी 1990 साल हे ओलांडलं। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी नेहरू मंत्रिमंडळातला राजीनामा दिला, त्यातलं एक सगळ्यात मोठं कारण होतं की संविधानाच्या मार्फत इतर मागासवर्गीयांना आपण आश्वासन दिलं होतं की वेळ कमी असल्यामुळे ओबीसींची यादी करता, इतर मागासवर्गीयांची यादी करता येत नाही, म्हणून 340 हे कलम घटनेमध्ये अंतर्भूत करण्यात आलेलं आहे। हमें लाईक करें। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए एसटीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताजा तरीन खबरें।